कमर्शियल फिल्में भी बहुत सारी की हैं मैंने कई इतनी बेहुदा कि मुझे शर्म आती है उनके बारे में ही सोच कर भी रॉबर्ट शुड बी कॉल्ड नसीरुद्दीन शाह ऑफ अमेरिका हमारी शादी कामयाब इसलिए रही कि हमें एक दूसरे से कोई फिक्स्ड उम्मीद नहीं थी मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपने वालिद जैसा बनू मैं अपनी अम्मी जैसा क्यों नहीं बन सकता अपने बाप को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया हिंदी फिल्मों में से मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग है फटा पोस्टर निकला हीरो जिन हीरो हीरा लाल ने ये डायलॉग बोला था वो ना ही मेरे हीरो हैं आई थिंक सैकड़ों लोगों के इंडिया में हीरो हैं सैकड़ों कलाकारों के हीरो हैं और आज इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि नसीर सर नसीरुद्दीन शाह आज हमारे साथ बैठे हैं और हम उनसे कुछ बातें करने वाले हैं सर थैंक यू सो मच फॉर बींगजिटिमेटली अ हीरो

बुरा देखता था मेरी मम्मा को हमेशा लगता था मुझे पोटेंशियल है पर किसी तो बेसिकली इंटेलिजेंट लड़के हो बेसिकली <laughs> 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 <Basically, Basically. laughs> <laughs> सर तो बचपन की बातें हो रही हैं हमारे, हमारे जो पहला सेक्शन है <hans> <हुँँँग> वो है अनबॉक्सिंग बॉयहुड तो हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे आई थिंक सामान जो शायद आपको आपका चाइल्डहुड आपका बॉयहुड याद दिला दे ये एक ऐसी चीज है जो मैं कभी नहीं कर पाया पतंग उड़ाना मैं, मैं जरा अपने अंदर घुसा हुआ था जब मैं स्कूल में था दोस्त वगैरह ज्यादा थे नहीं एक आध दोस्त था जिससे आज तक दोस्ती है एक और पतंग का सीजन आता था तो लोग बड़ा मैं देखता था यहां से वहां क्या कमाल कर रहे हैं आई आए... नेवर कुड डू इट दो चीजें मैं नहीं कर पाया बचपन में एक तो पतंग उड़ाना दूसरा लट्टू घुमाना ये दो चीजें लेकिन ये जो है ना, इसने मेरे बचपन को जीने लायक बनाया ये और बैट और हम लोग हमें तीन महीने की छुट्टियां मिलती थी हम पढ़ते नैनीताल में थे मेरे वालदेन अजमेर में पोस्टेड थे और तीन महीने जाड़ों में छुट्टियां दिसंबर जनवरी फरवरी हम लोग घर आते थे और अच्छा बड़ा मैदान था हमारे बंगले के पास दिन भर क्रिकेट खेला करते थे हम लोग लेकिन मेरे वाले साहब को कभी भी ये नहीं सूझा कि एक क्रिकेट का कोच बुला के इनको थोड़ा इसकी टेक्निक सिखाएं आ, वो ट्यूशन के लिए बुला लेते थे मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए और मैं मतलब सड़ जाता था कि मैं क्रिकेट खेल रहे हैं और वो मास्टर साहब आ गए साइकिल की घंटी बजाते हुए और मेरे ख्याल से मेरे बेचारे वालिद के तनख्वाह का काफ़ी हिस्सा उन ट्यूशन्स में खर्च हुआ जिनसे से कुछ फायदा नहीं हुआ खैर क्रिकेट और और मैंने बहुत सपने देखने देखे मैं क्रिकेट खेल पाऊँ पर मैं क्रिकेट के बारे में आ, सीख नहीं पाया कोच नहीं मिला कोई आपको डॉक्टर बनने के लिए फोर्स कर रहे थे वालिद साहब जो थे वो चाहते थे कि कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए क्योंकि दो भाई हैं मेरे बड़े सबसे बड़े तो आईआईटी में चले गए दूसरे एनडीए में चले गए इंजीनियर और फौजी और फौजी तो तीसरा तो डॉक्टर ही चाहिए मैंने कहा इतनी मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनसे कहने के लिए सिवाय अपने भाइयों के मैंने किसी से ये राज नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ये मैंने चौदह साल की उम्र में तय कर लिया था और शुक्र है कि ये यह फैसला मैंने उस उम्र में लिया क्योंकि तब से मैं अपने आप रियाज करता आया हूँ अपनी जो भी मेरी समझ थी उसमें कोई राह दिखाने वाला था नहीं कोई बताने वाला था नहीं हमारी फैमिली जिस जगह से है उसका नाम है सरधना मेरठ के पास है तो मेरे नाना जमींदार थे और मेरे तीन मामू थे चौथे जो थे वो पाकिस्तान चले गए वो कभी नहीं आए वापस लेकिन ये तीनों जो थे अल्फ मर्द थे अल्फा मेल अल्फा मेल जिसको कहते हैं और उनको देखकर मैं चकाचौंध हो जाती थी मेरी आंखें और नाना भी बहुत ही रहीम शहीम शिकारी एडवेंचरस किस्म के आदमी मरदानगी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी हमारे खानदान में शिकार जो था वो एक मैटर ऑफ़ फैक्ट चीज थी पांच काले हिरन मार के लाना क्या क्या बात है पर हमारे खानदान की जो औरतें हैं उनकी पढ़ाई एजुकेशन नहीं हो पाई तालीम नहीं पा पा सकी जिस का मुझे बहुत गु़स्सा है कि क्यों नहीं इतनी दूरंदेशी थी नाना में कि भाई दुनिया बदलने वाली है मेरी अम्मी ही को मैं ले लूं क्योंकि उनको मैं सबसे नज़दीक जानता था अगर वो पढ़ी लिखी होती वो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ कर सकती थी और उनकी बहनें जो थी वो सब के सब बहुत ही काबिल बहुत ही मोहब्बत भरी और, और बहुत ही तूफ़ानी मिजाज की <laughs> सोचता था ये अगर पढ़ी लिखी होती है तो ये तो एम डी होती किसी उसकी लेकिन नहीं लड़कियां पढ़ती नहीं है मतलब अभी ही किसी मौलाना साहब ने एक फतवा जारी किया कि अपनी अपनी बेटियों को स्कूल मत भेजो अब अब ये मतलब इस इस तरह की जो कि, कि अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं है आपको कि वो अकेली स्कूल जा सकेगी हिफाजत के साथ आप उसको इतना काबिल बनाओ कि वो अपनी अपनी रक्षा कर सके दबाना खैर लेट्स गेट बैक टू मेमोरीज सर एक आपने जो बात की कि आपके घर के अंदर आपके आ, जैसे मामा या फिर आपके पापा भी आ, 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 आपके वाले साहब हंटिंग करते थे आप आपको कभी बोला गया था कि शिकार करो और हाँ, अच्छा शिकारी अरे हम तो भाग के जाते थे सुबह चार बजे उठ के हम हाँ, नमाज के लिए उठते नहीं हो <laughs> शिकार के लिए उठ जाते हो और हम लोग फटाख से उठ जाते थे शिकार का जिक्र आया कि सुबह सुबह सवेरे तीतर मिलते हैं जब सूरज उगता है बतखें मिलती हैं हिरण दोपहर के वक्त आते हैं लेट आफ्टरनून में ये सब बातें और मतलब आई यूश टू लव इट अरसे बाद समझ में आई बात कि ये ये कितना जालिम स्पॉट है भाई अगर आप इतने बहादुर हैं तो जाइए सामने शेर के <laughs> <laughs> लेकिन उस वक्त बंदूक हाथ में लेके और हैट पहन के और जीप में बैठ के और धर 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 करते हुए कच्चे रास्ते पे जा रहे इट वॉज अ फैंटसी जो शुक्र है उस उम्र में फुलफिल हो गई वरना वो पता नहीं कब तक मेरा पीछा करती है क्या बात है <laughs> तारा जी <laughs> मैंने मैंने ये पढ़ा था कि आप आ, कि एट में आपको फिफ्टी स्टूडेंट में से आप फिफ्टी क्लास एट में भी और क्लास नाइन में भी और फिर क्लास नाइन में मैं फेल हो गया तो मेरे वाले साहब ने मुझे वहां से निकाल के अजमेर में जहां वो रहते थे वहां के एक स्कूल में दाखिल दाखिला दिलवाया सेंट एनसल्स और शुक्र है कैसा हुआ क्योंकि सेंट जोसेफ्स में बहुत अच्छे अच्छे नाटक हुआ करो सेंट जोसेफ्स ने भी मुझे बहुत कुछ दिया जो फिल्में हमें दिखाई जाती थी हर हफ्ते कोई थे क्रिश्चियन ब्रदर जिसको बहुत शौक था फिल्मों का और ज्ञान भी था मतलब मिकी माउस से लेकर इलिया कजान तक की फिल्में हमने देखी हैं स्कूल में तो उस टाइम पर मतलब आपने कहा भी है कि आपको ना डॉक्टर बनने का थोड़ा प्रेशर था अपने पेरेंट्स के थ्रू आप कैसे समझते थे क्योंकि जो ना जैसे आप बोल रहे हैं आज भी वही चल रहा है कि जहां पर ना लड़कों को पहले पैदा होते ही समझ ये सोचा जाता है कि या तो इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टर बनेंगे मतलब वो नहीं हैं कि भाई मेरा बच्चा पेट कैसे भरेगा वो अपने आप को उस बच्चे के, के सिचुएशन में डालने की कोशिश नहीं करते जो उनके अधूरे सपने हैं वो चाहते हैं कि वो बेटा पूरा करे अब मेरे वालिद जो थे वो हाई स्कूल तक पढ़े लिखे थे तो इन उन, उनके लिए पढ़, पढ़ाई लिखाई करना जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम था और हालांकि वो रईस नहीं थे किसी भी तरह से लेकिन उन्होंने हम तीनों को बोर्डिंग स्कूल में रखा जिन जिसमें से उनकी आधी से ज्यादा तनख्वाह चली जाती थी हमारी फीस देने में लेकिन उनके लिए और इसीलिए उन्हें बहुत सदमा पहुंचा जब मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनकी समझ ही में नहीं आता था कि ये लड़का करना क्या चाहता है अब आज अगर कोई बच्चा अपने मां बाप से कहे कि मैं बांसुरी बजाना सीखना चाहता हूं तो कहेंगे पागल हो गए या ये कहे कि मैं स्कल्प्टर बनना चाहता हूं या मैं मैं कविताएं लिखना चाहता हूं तो कहेंगे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उस बच्चे के सपनों को कुचलना चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि फिक्र है कि ये पेट कैसे भरेगा मेरे माँ बाप को भी यही फिक्र थी कि एक्टर बनोगे तुम क्या नौटंकी करोगे क्या करोगे खाना कहां से खाओगे मैं कहता था मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे करना यही है तो वही इनसिक्योरिटी आज भी है माँ बाप की तरफ से एक्टिंग जो है वो एक अब वो स्टिग्मा हट गया है जी। क्योंकि एक्टरों को पद्मश्री और भूषण और ये सब मिल चुका है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए हैं वगैरह वगैरह तो इतना स्टिग्मा नहीं है लेकिन अब ये है कि पढ़ाई की जगह इसको एक्टर बना दो यार मेरा बेटा पढ़ता नहीं है इसको एक्टर बना दो <laughs> <laughs> जैसे मेरे पास कोई जादू की पुड़िया है कि तो मैं उसको खिला दूं और लोग आके आपसे ऐसे बोलते हैं अच्छा नहीं कर रहा पढ़ाई में एक्टर कर <laughs> नौजवान लड़के के सामने <laughs> और मैं उसे कहता हूं बेटा ये समझ लो तुम एक्टर बनना चाहते हो यू लक ये याद रखो कि बड़ी मुश्किल राह तुमने चुनी है और दूसरी बात यह कि पढ़ाई नहीं छोड़ सकते तुम मेरे पास मत आओ नवीन क्लास पास करके कि मुझे एक्टर बना दो क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है भाई तो, तो मेरी माँ की दुआएं काम आ रही है ऐसा कुछ नहीं है मेहनत का काम है मजदूरी का काम है एक्टिंग कोई आपने बड़ा ही देखा है जो पहले ही दिन आके और लकड़ी काटने लगे और सही काटे बिल्कुल, बिल्कुल। हो ही नहीं सकता तो इसको इस इसका भी एक तरीका है एक तरीका नहीं है हजारों तरीके हैं जितने एक्टर हैं उतने अलग अलग तरीके हैं जैसे दारा जी एक्टिंग करते थे और इनकी मैंने हर फिल्म देखी शायद मुझे विश्वास नहीं होता था कि एक फिल्म कितनी बुरी हो सकती है <laughs> <laughs> लेकिन देखता मैं सब था बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड क्योंकि ये पहले आ, आ, ऐसे इंसान थे हिंदुस्तान में जो कि एक एथलीट से एक्टर बने जी तो आपको आपके जैसे मामा थे और आपके वालिद साहब थे और दारा सिंह जैसे जैसे आप लोगों को देखते थे आसपास अपने मतलब स्क्रीन पे और आसपास भी देखते होंगे आपको अपनी बॉडी के बारे में अपने अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी होती थी इनको देखकर कर बहुत इस... जबरदस्त इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कमी का एहसास और मैं चाहता था कि मैं बड़ा होकर इनके जैसा बनू लेकिन उनकी कई आदतें ऐसी थी जो मुझे तब भी अखरती थी जैसे सरधना में एक जीप थी और एक ट्रैक्टर था वो हमारा बाकी बैलगाड़ियां थी या रिक्शे रिक्शाएं थी अब हमारे मामू जीप चलाते चलाते अगर कोई साइकिल वाला रास्ते में आ गया तो हॉर्न दिया हॉर्न दिया हॉर्न दिया वो जरा देर से हटा तो गुजरते गुजरते थड़ाक से उसको एक झापड़ मार दिया वो बेचारा गिर पड़ा साइकिल से और बहन चौधरी समझते क्या साले पगड़ी वाले एंड आई टू वरी कर ये व्हाई डू दैट ये ये भी तो कहीं जा रहा है बट आई थॉट कि हाँ इट इज मैस्कुलिन थिंग टू डू मैंने कभी ये, ये हरकत की नहीं लेकिन जो एरोगेंस जो क्या कहते हैं सेल्फ लव जो आप में आ जाता है एक पोजीशन ऑफ पावर में रहके और ऊपर से आप फिजिकली पावरफुल भी हैं तो कहीं आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है मेरे ख्याल से से आपको अपनी ये 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 सीखने को मिला अंडरस्टैंडिंग ये, ये या फिर ये काइंडनेस अगर मैं कह सकता हूं ये उनसे आई है आपको मेरे ख्याल से क्योंकि अपने अप, देखो तुम्हारे बाप कितने बड़े पोस्ट में मैं सोचता था हाँ भाई हैं मैं उनके जैसा तो नहीं बनना चाहता मैं अपनी मम्मी जैसा क्यों नहीं बन सकता वो क्रिटिसाइज भी करती थी तो प्यार से बाबा ऑफिस चले जाते थे हम लोग रेडियो लगाते थे रेडियो सिलोन और गाने सुनते थे उन्होंने कभी बना नहीं किया ना कभी उन्होंने चुगलखोरी की कि आप चले गए उसके बाद ये रेडियो सुनना ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे ड्रामे का शौक वो पूछती थी कि क्या करते हो इन ड्रामों में तो मैं बताता था, था उनको एक शेक्सपियर शेखर कौन शेख कौन <laughs> शेख नहीं <laughs> शेख <थे laughs> तो तुम अच्छी तरह करते हो मैंने कहा अच्छी तरह करते औ, और जो जेंटलनेस थी अम्मी की बाबा में भी थी लेकिन वो दिखाते नहीं थे फर्क ये था वो चाहते थे हमें जरूर पर दिखाते नहीं थे कभी भी वो मेरे ख्याल से मैंने उन्हें कभी जिंदगी में बचपन को छोड़ के कभी हाथ नहीं लगाया होगा ना उन्होंने मुझे जब मैं छोटा था तो मैं लाडला था चार पांच साल की उम्र तक उसके बाद मैं बिगड़ गया मतलब अपने बाप को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था उनसे ज्यादा मैं किसी से नहीं डरता था दुनिया में और वो दिखाते इसलिए नहीं थे कि भाई मर्द जो है वो नहीं ये रोना पीटना सब औरतों का काम है ये सारी बीमारियां अभी तक हैं हमारे समाज में तो मैंने अपने खानदान में देखा है बाप अपने बच्चे को रोते होकर अरे अरे ले जाओ इसे यहां से अपनी बीवी को अरे भाई आप आप ही ने तो पैदा किया है ये बात मुझे उस वक्त पिया करती थी कि यह क्या हुआ ले जाओ यहाँ से, से रो रहा है बीवी आती थी बेचारी ले जाती थी रोते बच्चे को अरे लड़की हुई है ये मैंने रिएक्शन देखा है ओहो लड़की हुई है अरे लड़का हुआ है लड़का हुआ है लड़का हुआ है पूरे गांव में शोर लड्डू बन रहे हैं जैसे कि इसमत आपा ने एक कहानी में लिखा है इसमत चौथाई ने कि लड़की होगी तो आवाज आवाज करेगी वा, वा, और लड़का होगा तो आवाज करेगा आऊ आऊ <laughs> क्योंकि लड़की हुई तो हुआ गया सारा माल हुआ <laughs> और लड़का हुआ तो आऊ आऊ <laughs> <laughs> तो इसमें आपने एक जो बात कही है बहुत प्यारी लगी मुझे कि आप अपनी अम्मी जान जैसे थे और मैं मैं समझने कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं वो ज्यादातर ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि हमको ना अपनी मदर जैसा हम मदर जैसे भी बन सकते हैं यही क्यों होता है लड़कों के अंदर कि सिर्फ फादर जैसा है ना तुम लड़के हो लड़कियों जैसा मतलब रहा लड़कियों के मत ब, ये क्यों कान में बालियां क्यों पहन रखे हैं मतलब इस पर भी मुझे हैरत आती थी मेरी नानी के पंद्रह बच्चे हुए जिनमें से ग्यारह हयात रहे बाकियों का इंतकाल हो गया अब तो सब के सब गुजर चुके हैं लेकिन पंद्रह बच्चे मैं सोचता हूं तेरह साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी नाना पंद्रह साल के थे मेरे ख्याल से चौदह साल की उम्र में पहला बेटा बच्ची हुई होगी उनकी उसके बाद पंद्रह साल या तीस साल कम से कम सिर्फ बच्चे पैदा करती रही और, और इसमें कोई को, कौन सी अजीब बात है हाँ बिल्कुल हाँ लड़के भी हुए बॉडीली जो 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 बोझ पड़ता है औरत पे आप किसी मर्द से कहिए कि अपने पेट से एक वजन बांध के रखो जो हर रोज जिसका वजन बढ़ाते रहो और देखो कितने दिन तक झेल सकते हो <laughs> ये बातें मुझे सब बाद में सूझी मैं एडमिट करता हूं कि एक वक्त था जब मैं बिल्कुल चकाचौंध था इन बातों से मर्दानगी से लेकिन ये ये बहुत बड़ा मैसोजिनिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में औरतों से नफरत करने वाला एटीट्यूड औरतों को किसी लायक ना समझने वाला एटीट्यूड ये कब तक रहेगा मालूम नहीं बड़ी खुशी होती है आजकल देख के जब मैं शूटिंग देखता हूं शूटिंग में जाता हूं नौजवान बच्चे लड़के लड़कियां असिस्टेंट का काम कर रहे हैं साउंड का काम कर रहे हैं लाइट्स का इधर उधर भागे दौड़े फुल ऑफ एनर्जी और जब मैं शुरू हुआ था तो फिर मतलब बूढ़े खुश हैं <laughs> <laughs> मदर्स हमको इतना देती हैं इतना प्यार इतनी एम्पथी इतना सपोर्ट लिटरली हमको ना इंसान बनाती हैं और फिर भी हम ये घबराते क्यों है मदर्स की वैल्यूज लेने के लिए उनकी काइंडनेस लेने के लिए जिस तरह का अनकंडीशनल अनकंडीशनल मोहब्बत अनकंडीशनल हौसला अफजाई अनकंडीशनल सपोर्ट एक माँ दे सकती है मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता ये लेसन हमें सीखना चाहिए और मुझे हमेशा जब मैं परेशान होता था मैं अपनी मम्मी से ही बातें करता था बाबा से मेरी कभी बातें हुई नहीं किसी भी विषय पर मेरी कामयाबी देखने तक वो जिए नहीं तो कभी भी हमारे हमारे बीच जो दरार थी वो कभी भी भर नहीं सकी जिसका मुझे बेहद अफसोस है लेकिन बाद में अब बचपन में भी मैं मैं दारा सिंह की फिल्में जरूर देखता था लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे दारा सिंह जैसा बनना नहीं है दारा सिंह पसंद आते थे क्योंकि बचपन से ही दारा सिंह दारा सिंह दारा सिंह एक लेजेंड था जो सबको मालूम था लेकिन शम्मी कपूर दिलीप कुमार देवानंद बलराज सहनी साहब ऑल दीज ग्रेट पीपल में दोनों ही सिफतें थी मैस्कुल एंड फेमिलन अगर आप और से देखें देंटलनेस द बदमाशी दस ऑफ द मैन द टेंडरनेस ऑफ द वुमन सो दैट इज वन आई वॉट आई रियलाइज के फॉर एन आइडियल एक्टर और फॉर आइडियल ह्यूमन बीइंग उसमें दोनों ही क्वालिटीज होने जरूरी हैं अपने अ, 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 अपनी पर्सनैलिटी की फेमिनिन साइड को पहचानना बहुत जरूरी है और 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 उस, उसका इस्तेमाल करना सिर्फ आप मर्द बने रहोगे यू बिकम अ बोर सो आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टर्स इन द वर्ल्ड वो हैं जिनमें ये दोनों क्वालिटीज हैं चाहे आप मालन ब्रांडो की बात करें चाहे आप बलराज सानी साहब की बात करें दोनों ही क्वालिटीज़ होती हैं जो जिन जिन जिनसे मैं काफी अवेयर हूं और खास तौर पे शम्मी कपूर शम्मी कपूर मैं उनको बहुत महान एक्टर नहीं मानता मुझे उनसे प्यार था बस अब प्यार क्यों होता है इसकी कोई वजह होनी जरूरी नहीं है क्योंकि जिस तरह वो गाने किया करते थे मेरे ख्याल से कोई दूसरा हिंदुस्तान का अदाकार नहीं कर पाया है और जो एक शरारत थी उनमें और जो एनर्जी थी उनमें और ओरिजिनलिटी थी उनमें गानों में भी अगर आप देखें हिज परफॉर्मेंस इज ओरिजिनल वो कभी भी दिल पे दिल की तरफ इशारा नहीं करेंगे दिल शब्द पे आ जाओ पे कभी इस तरह का इशारा तुम मैं आसमान इस तरह के इलस्ट्रेटिव जेस्टर्स कभी नहीं करेंगे वो कुछ और ही एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ करेंगे जो कि बिल्कुल ताल पे बैठता है आई फाइंड इज फैसिनेटिंग और कोई एक्टर और नहीं कर पाया है इसलिए मुझे शम्मी कपूर बेहद पसंद है जब लोग मुझसे पूछते हैं वो योर फेवरेट एक्टर्स मैं कहता हूँ शम्मी कपूर एंड दारा सिंह तो लोग समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ मजाक बिल्कुल <laughs> नहीं कर रहा <रहूं>। हूँ <laughs> एक जमाने में जब जेंटलनेस ग्रेस से शुरू हुए हम उसके बाद कहीं ना कहीं के अंदर एंग्री यंग मैन आ गया दैट बिकेम द कमर्शियल पॉट बॉयलर और जो दिस मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी इंडस्ट्री सीम्स टू बी द ओनली इंडस्ट्री जहां पर लीड एक्टर को हीरो कहा जाता है जो कमर्शियल हीरो जो सोचते हैं वो यही है जो दुनिया बचा रहा है लड़की को बचा रहा है डैमसन इंडस्ट्रीज को बचा रहा है विलन से फाइट कर रहा है मर्द को दर्द नहीं होता बोल रहा है हाइपर मैस्कुलिन होती है है हीरो तभी होता इफ यू आर दैट हाइपर मैस्कुलिन पर्सन कबीर सिंह जो सबसे बड़ी हिट गई है इनसिक्योरिटी तो in? बढ़ रही है इसीलिए अब और ज्यादा जोर दिया जा रहा है हाइपर मैस्कुलिनिटी को सब सुपर हीरो अमेरिका में तो ये मार्वल की जो दुनिया चल रही है सब सुपर हीरो हैं यहां भी हो रहा है लेकिन यहां पर साथ साथ वेडनेसडे जैसी फिल्म भी कामयाब होती है जिसमें कोई हाइपर मेस्कुलन हीरो नहीं है माना कि उसका प्रेमाइज जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है तो कहीं ना कहीं वो हीरो की कैटेगरी में आ जाता है वो कैरेक्टर बिकॉज वॉट ही डज इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू डू बट 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 पीपल ओवरलुक दैट Because he provides them with a thrill, so I suppose this need to to, to receive a thrill is is, is is there and will always be there. But the acceptance of smaller films like, like those made by Anurag, mm. like Ramprasad Ki Tervi, like Gulmohar, I think these kind of sensitive movies. Will find their place as well, I'm pretty sure. Because I have great faith in the younger generation, and I think that they are far more evolved, far more informed, and far more savvy than we were. Apart from the thrill, I imagine that there is no one who is saying that there is <laughs> मैंने मणिरत्नम की फिल्म हालांकि पूरी देखी क्योंकि वो बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं और कोई उनका एजेंडा नहीं है और मैं इमेजिन नहीं कर पाता अलावा थ्रिल के या आपके अंदर जो जज्बात छुपे हुए हैं उन, उ, 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 उनको फीड करके कहीं एक खुशी का एहसास होता है देखने के बाद जो अक्सर कई दिन तक रहता है मैं इमेजिन नहीं कर पाता मैं मैं ऐसी फिल्में देखने कभी ना जाऊं आपने ये भी बोला था विच आई रियली लाइक कि बचपन से ही आप ना लोगों को जैसे पेश आते हैं यू बिन एन ऑब्जर्वर तो डू यू थिंक इन एवरीथिंग थिंग दैट यू ऑब्जर्व इन द मैन इन द कंट्री ओवर द यर्स डू यू थिंक कि

And that is why a film which women like will always be a success, mm -hmm. and women will like the sensitive things. I wonder how many women liked RRR. It would be an interesting uh, statistic to, to, to find out about. Mm -hmm. But uh, men have this luxury of indulging. Oh I am very tired. उसने भी दिन पर काम किया है और तुमसे ज्यादा काम किया है सो इट्स 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 प्योरली एंड इंटेलिजेंस एंड मैं उन लोगों को बहुत एडमायर करता हूं जो घर में मदद करते हैं जो 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 अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि घर में इस घर में मैं भी रहता हूं <laughs> इस घर के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है लेकिन नौकरी से आता हूँ बस में आया आपने अपनी अपनी में भी लिखा आप है आपको एक स्टार बनना था आपको बट जैसे आपने पहली दो पिक्चरें की अपनी एक आप पे लेबल डाल दिया गया सीरियस एक्टर यू नो एंड कहीं ना कहीं अपने आप ही इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया कि आपकी चाहे आपकी फेस हो या आपकी फिजिक हो इट वॉज सुटेबल हाउ डिड यू मेक पीस विद दैट वॉज इट अ बेटर थिंग फॉर यू आई स्टिल थिंग इतफाक से मेरी तीसरी फिल्म कमर्शियल फिल्म थी सुनैना राजश्री प्रोडक्शंस की जिसमें मैंने बहुत ही बुरा काम किया बावजूद इसके कि मेरा बहुत बड़ा रेपटेशन था मंथन और निशांत के बाद और सुनैना शायद कन्हैया ख्वाब इस तरह की फिल्में करने का मुझे जरा पछतावा नहीं है हालांकि सब में मैंने बहुत बुरा काम किया लेकिन मैंने खुद रियलाइज किया कि ये कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा फिल्म इंस्टीट्यूट आने से पहले मैं सिर्फ हॉलीवुड की या इंग्लिश फिल्में देखा करता था हिंदी फिल्में मैं अलीगढ़ में था तब देखता था उसके बाद छोड़ दी मैंने फिर हिंदी फिल्में देखना जो कि गलती थी अगर मैं स्टार बनना चाहता था hmm. डेफिनेटली बनना चाहता था कौन एक्टर है जो जो स्टार नहीं बनना चाहता <laughs> लेकिन उसकी तैयारी नहीं की थी मैंने और इसीलिए मैं उन फिल्मों में नाकाम रहा कमर्शियल फिल्में भी बहुत सारी की हैं मैंने और कई इतनी बेहुदा Uh, कि मुझे शर्म आती है उनके बारे में सोच कर भी <laughs> 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 लेकिन इस उम्मीद से कि कि भाई शायद कुछ बन जाए इसका सर uh, मैं अभी ना रत्ना मैम की थोड़ी बात करना चाहूंगा कि शी इज अ फेमिनिस्ट आइकन ऑफ आर टाइम्स आई रियली फील लाइक मतलब वो भी कितनी आउटस्पोकन हैं आप टिपिकली uh, जो मर्द होते हैं आदमी होते हैं वो चाहते हैं कि वो अल्फा है रिलेशनशिप के अंदर या yeah, एटलीस्ट एक ऐसे uh, ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहते या इनसिक्योरिटी होती है या ईगो होता है कि जो उत, उनके जितनी शायद आउटस्पोकन हो या उनके जितनी टैलेंटेड हो या उनके जितनी कामयाब हो सो हाउ डिड यू अ मैन यू नो हाउ आर यू ओके विद दिस यू नो कि आई विल वांट अ वुमन लाइक दिस एंड आई विल बी वुमन लाइक दिस एक नाटक दुबे जी कर रहे थे पहला नाटक जो मैंने बंबई में किया मतलब मैं उसमें रोल मांगने गया तो उन्होंने मुझे शामिल कर लिया उस नाटक में रत्ना भी थी जी। और से वो उस, उस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी मेरे ख्याल से सत्रह साल की थी और बस वो मुझे अच्छी लगी अब इसके इसका कोई कोई कारण नहीं होता मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था लेकिन जैसे जैसे रिहर्सल होता गया हमारी दोस्ती बढ़ती गई और मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म शख्स है हर चीज में बहुत मेटिकुलस है जिसका मैं बिल्कुल बरक्स हूं मैं बिल्कुल मेटिकुलस नहीं हूं वो हर चीज चाहती है अपनी जगह पर रहनी चाहिए वगैरह वगैरह मैं इधर उधर फेंकता रहता हूं तो किसी तरह का बैलेंस हमने पा लिया लेकिन मेरे ख्याल से हमारी शादी कामयाब इसलिए रही कि हमें एक दूसरे से कोई फिक्स्ड उम्मीद नहीं थी हमने एक दूसरे के फिक्स्ड रोल्स नहीं बनाए ये मैंने उसे शुरू में बता दिया था कि भाई मुझे खाना पकाना नहीं आता मैं बर्तन धो सकता हूं <laughs> खाना तुम पकाना घर की सफाई मैं कर लूंगा ये मैं कर लूंगा वो मैं कर लूंगा ये चीजें मुझे नहीं आती धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में हम लोग हम समझते रहे इसीलिए मोरलेस एवरीथिंग हैज बीन अ सरप्राइज और उसके बारे में मैं धीरे 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 डिस्कवर करता गया उसकी क्वालिटीज <laughs> और मुमकिन है कि वो मेरे बारे में मेरी क्वालिटीज या लैक ऑफ क्वालिटीज डिस्कवर करती गई और बेसिकली हम हमारी दोस्ती कायम रही है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द रोल्स डिफाइंड

लॉर्ड ऑफ द हाउस ये ये गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने अपने पूरे खानदान को करते हुए देखी है <laughs> चलो खाना आओ hmm. चलो पानी गर्म करो यू नो आई हेट दिस भाई खुद करो ना यार <laughs> नहीं एंड um, ये मैंने कभी भी ये लाधा नहीं उसके ऊपर मैं हर चीज का सलाह मशवरा उसके साथ करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं वो मुझसे ज्यादा जहीन है मुझसे ज्यादा काबिल है आ, अगर कुश्ती हो तो मैं हरा दूंगा उसको लेकिन <laughs> <laughs> लेकिन ये ये उसकी ताकत आजमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें बहुत दम है सर इफ़ मे आस्क आप क्या देते हैं इस रिलेशनशिप में वट वुड रत्ना मैम से कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं <laughs> ये तो उसी से पूछना पड़ेगा <laughs> अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा के मुझे समझने वाला मेरे, मुझे ऐसा पार्टनर मिला और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल रसमलाई है कि गप से खा जाओ नहीं वो, वो, वो कड़वी बातें भी करती है आ, स्ट्रिक्ट बातें भी करती है और किसी हद तक मैं घबराता हूं उससे बट <laughs> मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुशकिस्मती हम दोनों की है कि हम सारे कॉन्फ्लिक्ट है रिजोल्व कर पाए हैं अब आगे जो आते रहेंगे देखी जाएगी लेकिन अभी तक एक दूसरे को हम मैं कभी नहीं मानता कि मैंने इसको पूरी तरह समझ लिया है और ना वो मानती है कि उसने मुझे पूरी तरह से समझ दिया क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान को पूरी तरह समझना नामुमकिन है और कोशिश ही नहीं करनी चाहिए धीरे <laughs> धीरे समझ में आता रहता है <laughs> बिल्कुल father, ऐसा फादर आप कुछ है जो मतलब आई एम श्योर होंगी चीजें बट अपने वालिद साहब से आपने जो शायद सीखी <laughs> हैं जो आप करते हैं actually, और जो ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करते ये बड़ी ये बड़ी टेढ़ी चीज है मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपने वालिद जैसा बनूं अपने बच्चों के साथ मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे गले में हाथ बाहें डालें मुझे प्यार करें मेरे साथ बेतकल्लुफी से पेश आएं वो किसी हद तक ही हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में जो आदतें इनग्रेन्ड हैं आप में जेनेटिक्स की वजह से नहीं मेमेटिक्स की वजह से जो एक द गॉड डिल्यूजन में ये शब्द इस्तेमाल किया है डॉकिंस ने मेमेटिक्स जो आपके इर्द गिर्द साउंड वेव्स चलते रहते हैं और जो एटीट्यूड्स चलते रहते हैं वो भी घर कर लेते हैं आपके दिमाग में तो न चाहने के बावजूद कई बार मैंने बहुत सख्ती से अपने बच्चों से बात की है हाथ कभी नहीं उठाया है उनके ऊपर ये मैंने अपने वालिद से सीखा है जरूर और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे डरें मैं नहीं चाहता कि वो मुझे सीरियसली लें मालूम नहीं मैं कितनी किस हद तक कामयाब हुआ हूं लेकिन आइडियली मैं ये चाहता हूं मैं आइडियल फादर तो नहीं रहा हूं क्योंकि अक्सर मेरे गुस्से ने मुझ पर गुस्सा मुझ पर हावी हो गया है और जो सबसे छोटा बेटा है मेरा उसके गुस्से से मैं भी डरता सर आपने अपनी बुक में ना एक बहुत ही इमोशनल पैसेज लिखा था कि आपकी पहली कॉन्वर्सेशन अपने वाले साहब के साथ शायद तब हुई थी जब वो गुजर गए थे आपने जाके उनके साथ एक रियल कॉन्वर्सेशन की आप क्या सीखे अपने फादर के बारे में आफ्टर ही पास्ट अवे कैसे आपको एम्पथी आई उनके बारे में जो आप फिर आपने शायद अगर कोशिश की हो एज अ फादर टू डू उनकी कई आदतें मुझे बाद में ख्याल आया मैं तो उनको कंप्लीट एंड टोटल विलन मानता था अपनी जिंदगी में लेकिन मैं भूल गया था वो छोटे छोटे जेस्टर्स जो उन्होंने किए थे उनकी दरिया दिली फॉर एग्जाम्पल रईस बिल्कुल नहीं थे वो लेकिन आप उनसे कुछ भी मांगो वो फौरन दे देते दे थे, थे बिना सवाल पूछे इस तरह की चीजें थी उनमें मुझे समझना उनके बस से बाहर था और इसी और वो घबराते थे कि अगर इसके बारे में मुझे पता चल गया तो मैं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा जब मैं एन खत्म करके फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा था और दाखिला मिल गया मुझे तो छह सौ रुपए एडमिशन फीस देनी थी तो मैंने उनको एक तार भेजा और अगले दिन वो पैसे मेरे पास आ गए तो उनकी कई चीजें और मैंने और भी लिखा है कि एक ख्वाब मुझे आया जो एक अकेला ख्वाब है जो मुझे आज तक याद है उनके गुजरने के दो तीन साल बाद कि मैं उनके सामने बैठा हूं एक इंटरव्यू जैसी टेबल है लंबी सी और वो उस तरफ बैठे हैं मैं इस तरफ बैठा हूं और वो मुझसे कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर फादर और मैं वो सारी बातें उनसे कहता हूं जो मैं कभी नहीं कह पाया सारी शिकायतें जो मुझे थी और वो मुस्कुराहट के साथ सुन रहे होते और ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं <laughs> वहां पर जाके थोड़ी थोड़ा बहुत सुकून मिला लेकिन अफसोस हमेशा मुझे रहेगा कि इस रिश्ते से मैं महरूम रहा और वो भी इमोशनल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन आप कभी रोए के सामने आई हूँ। <laughs> 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 रोया शायद नहीं हूं उनके सामने आ, लेकिन वो जानते हैं कि मुझे क्या महसूस हो रहा है मेरे रिएक्शंस रत्ना हमेशा मुझे याद दिलाती रहती है कि बहुत मानी रखते हैं बच्चों के लिए तो मैं जजमेंटल होने की कोशिश नहीं करता हूं उनके साथ क्योंकि मैं अपना बचपन याद करता हूं कि मैं कितना नालायक था <laughs> <laughs>

Because they are true blue men and sensitive men. A man you actually find in your life around you really sensitive. My eldest son, Imad. A man who makes you blush. Any fan who goes overboard with his compliments. <laughs> <laughs> That's sweet. A man whose mind fascinates you. Javed Akhtar. He's incredible. <laughs> the warmest hugger you know. <laughs> Narendra Modi. <laughs> though I've never been hugged by him. <laughs> That's a great answer, though. The man you find to be a great listener around you. Akash Khurana. He's amazing. A man whose hard work and determination you admire. Oh, Pankaj Tripathi, Gajraj Rao, Nawazuddin Siddiqui, Irfan Khan. There's four of them, at least, and there's more.

The man gives compliment We have just picked a few of them. We would love for you to read them out. If Naseer sir, was born in Hollywood, even Robert De Niro feels... <laughs> I get very bugged when I am called the Robert De Niro of India. I said, Robert De Niro should be called the Naseeruddin Shah of America. सर आपको मैं संपूर्ण अदाकारों में शामिल करता हूँ आपके द्वारा निभाए गए किरदार की अदायगी का मैं कायल रहा हूँ आपका लहजा तलफ़ुज बोलने के अंदाज़ की अदायगी बाक़माल है अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता करे हर वबा बलाओं से महफूज रखे ना दिस दिस इज द कांड ऑफ प्रेयर that is very, very precious. more than the compliments, kamalka, kamkia and all, but, you know, thank you for what you're doing and, and may you live a happy life. these are the kind of prayers which, which really touch the heart. there are several. i've seen personally tinasarihasa, it was so nice to see. You're not only a great artist, but a great human being, taking stands and fighting. Commercial <laughs> no commercial interest. <hai> nahi koi. <laughs> sahab and Ratna ji want, what a legendary couple. Not just actors, but intellectual actors. Thank you, rikta, for bringing them together. Chalo bas, ho itni nahi ho mujhe. <laughs> so Thank you so much. You okay. Aap,

तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्लीज़ फॉलो कीजिए वी आर युवा को ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम ऑल ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे पूरी कॉन्वर्सेशन डालने वाले हैं तो प्लीज़ गो एंड श्योर इट आउट ओवर देयर वेल एक अकेला खाब है जो मुझे आज तक याद है उनके गुजरने के दो तीन साल बाद कि मैं उनके सामने बैठा हूं एक इंटरव्यू जैसी टेबल है लंबी हूं और वो मुझसे कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर फादर और मैं वो सारी बातें उनसे कहता हूं जो मैं कभी नहीं कह पाया सारी शिकायतें जो मुझे थी और वो मुस्कुराहट के साथ सुन रहे होते हैं।

तो वॉट ऑज एम एफ हुआ अ बर्ड मेरे पापा ने ना मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे ट्रांसजेंडर बच्चे हो ही से आपने जब बोला ना सोसाइटी सोसाइटी हमें कंडीशन करती है बट हम ही सोसाइटी करेक्ट ऑल द स्टोन दट पीपल थ्रू एट मी आई हैव कलेक्टेड एंड बिल्ड माई एम्पायर